हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी। आज मैं दोस्तों आपको मटर पनीर बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, बहुत सारा खेत में मटर फरा हुआ है, तो आज हम मटर तोड़ेंगे, अब पनीर मंगवाएंगे लाला जी से, फिर आपको मटर पनीर बना के दिखाएंगे। तो आइए, खेत में हम आ गए हैं, मटर तोड़ लेते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं मटर के खेत में, देख सकते हैं मटर बहुत फरा है, अभी एकदम बिल्कुल कच्चा कच्चा मटर है, ये देख सकते हैं, खाने में बड़ा मज़ा आएगा। एकदम मीठा मटर है दोस्तों, तो मैं इसी में से ले लूँगी मटर। देखिए कितना फरा है, ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। तो इसमें जो मटर तैयार हो गया है ना, वही मटर को हम तोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं, देखिए, इसमें से ढूंढ ढूंढ के तोड़ना पड़ेगा हमें। चूल्हा जला लिए हैं, अब हम बनाते हैं मटर पनीर। कढ़ाई रख दिए हैं चूल्हे पे, मटर छील लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं। आज मैं सारा तैयारी करके आपको दिखा रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि लंबा वीडियो है, इसलिए मैं आज शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ। तो देखिए, मटर छील लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, ये 250 ग्राम मटर छिला हुआ है, ये 250 ग्राम प्याज है, दोनों का रेशो बराबर है, और 250 ग्राम पनीर भी लिए हैं, 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये देसी पनीर है, मंगवाई हूँ मैं, तो सबसे पहले इसे काट लेती हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है, प्योर गाय का दूध का है, देखिए खूब बड़का बड़का पीस कटा, बड़ा बड़ा पीस रख रही हूँ मैं। और इधर हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे, ये थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पनीर को हमें तलना भी है। 6 चम्मच खाने वाला चम्मच से तेल डाली हूँ, अंदाजे से डाली हूँ, नापी नहीं हूँ। तेल को अच्छा से गरम करेंगे पहले। तैयार हो गया दोस्तों, बस अब बनाने की देरी है। तो ये देसी जो पनीर है, इसको हम फ्राई करेंगे, खूब चिकता चिकता हो जाएगा, तल के गोल्डन, तब निकालेंगे। तो तेल गरम हो गया, डाल लेते हैं पनीर को। तो देखिए कितना बढ़िया लाल लाल हो गया पनीर, इसको कहते हैं पनीर। तो सभी पनीर को हमें ऐसे लाल करना है भून के, तो निकाल लेते हैं तेल से बाहरी। सबको हम फ्राई कर लेंगे।
निकल गया है। आहा। बचा है उसमें फोरन डाल देंगे दूध को। हरा मिर्च है, एक चिटकी जीरा है, दो तेज पत्ता है, डाल देते हैं तड़का में। आपस में लड़ाई कर लिया था दोस्तों, अब यहीं पे प्याज डाल देते हैं। मेरे से काहे लड़ाई करेगा? आदमी से लड़ाई करते हैं। प्याज जल्दी भुना जाए इसके लिए थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। तो ध्यान से नमक डालिएगा, नहीं तो नमक ज़्यादा जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा मटर पनीर का। तो मैं तो दो बार डाल लेती हूँ, अगर आपको अंदाज़ा ना मिले तो एक ही बार डालें। प्याज को हम 3-4 मिनट भून लिए हैं, अब यहीं पे मटर ऐड कर देंगे। अब मटर और प्याज दोनों को अच्छा से भुनाई करेंगे कम से कम 5-7 मिनट तक। तो मटर भी अच्छा से भून जाएगा और प्याज भी गल जाएगा। कम से ढक देते हैं और भूनते हैं ढक ढक के। तो 5-7 मिनट भून लिए हैं, देखिए प्याज जो है एकदम बिल्कुल भूरा हो गया है। तो अब हम यहीं पे डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दो मिनट भून लिए हैं, यहीं पे डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर या जितना आप तीखा खाते हो, एक चम्मच धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे, टमाटर डाल देंगे, देखिए दोस्तों हम टमाटर डाल के और 5 मिनट तक भून लिए हैं। टमाटर बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छा मसाले में से तेल छोड़ दिया है। तो यहीं पे हम डालेंगे नमक। तो नमक में एक बार पहले भी थोड़ा सा डाली थी, ध्यान में रखते हुए डालूंगी कि ज़्यादा ना हो जाए। और ये देखिए, ये है देसी लहसुन का पत्ता, मेथी का पत्ता, धनिया का पत्ता, इन सभी को हमें डालना है। इस तरीके से हम मोटा मोटा ही काट लेंगे। तो डाल देंगे सभी चीजों को, ये मेथी के पत्ता को भी दो टुकड़ा करके डाल देंगे। भून देंगे, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं मटर पनीर, बहुत अच्छा लगता है गांव में। यहीं पे हम पनीर भी डाल देंगे और डाल के सभी चीज़ों को आपस में 2 मिनट के लिए भून देंगे। इस तरीके से फैला के भून लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच, तो आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उतना पानी ऐड करें, या लटपट बनाना हो तो लटपट बनाएं, तो मैं लटपट ही बनाऊंगी। तो पानी डाल देते हैं,
तो अभी थोड़ा पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा हम और डालेंगे। और इसे दबका लेंगे। दबकाने के बाद में हमारा मटर पनीर तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसे दबकाने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए कितना लजीज लग रहा अभी से ही। सब्जी बन के हो गया है दोस्तों तैयार। अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमारा सब्जी कैसा बना है। पनीर का सब्जी दोस्तों बन के तैयार हो गया है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ चार पीस। ये देखिए देखिए दोस्तों, मटर पनीर बन के तैयार है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिट्टी के चूल्हे पर बनाई हुई मटर पनीर, तो इसका जो स्वाद है ना जबरदस्त, मैं बता नहीं सकती। आप खाइएगा तभी पता कीजिएगा, क्योंकि जो इसका जो टेस्ट है देसी पनीर, देसी मटर और सब कुछ, इसका जो स्वाद है गजब का है। तो आपको अगर हमारा मटर पनीर का रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं क्या क्या बनाऊँ ये भी कमेंट में लिखते रहिएगा। इसी तरीके से मैं एक एक सारा रेसिपी आप लोगों का जितना भी कमेंट है बनाऊँगी। थोड़ा देर बनाऊँगी लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि सामान लाने में और ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है गांव में। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस तरीके का मटर पनीर आप अपने घर पे गैस पे भी बना के खा सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।